बैट के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आरसी समझ नहीं आएगा। वोकैबुलरी इज द ब्रिक्स इन द एंटायर वॉल ऑफ कैट और द एंटायर वॉल, जो रीडिंग कॉम्प्रेशन की जो दीवार बना रहे हैं ना उसके अंदर ये जो ब्रिक्स हैं, इसलिए वोकैबुलरी पक्का पढ़नी है। नॉर्मन लुइस वर्ड पर मेडी दी बहुत पढ़नी है, मैं आपको बता दूंगा डैशबोर्ड पे कहां पे रिकॉर्डेड है, 5-6 सेशन तो यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। क्वेंट, क्वेंट पता क्या होता है? क्वेंट होता है पुराना, बहुत ही बढ़िया पुराना। एंटीक समझते हो आप? एंटीक, एंटीक्विटी समझते हो? एंटीक्विटी, एंटीक्विटी होता है यार पुराना। एक तो शराब भी है ना एंटीक्विटी, एंटीक्विटी एक शराब भी है। पुराना एकदम बढ़िया नॉस्टैल्जिक देख के मजा आता है। यूरोप के अंदर पुराने पुराने घर होते हैं ना उसको बोलते हैं एंटीक्विटी। वाइन नहीं है, बहुत ही गंदी और बहुत ही सस्ती चीप दारू है, इससे और भी चीप आती हैं, और भी ओल्ड मॉन्क हो गया, बट ठीक है। एंटीक्विटी, एंटीक्विटी एंड क्वांट, क्वेंट मतलब पुराना, ठीक है, विच इज पुराना। बॉम्बे के अंदर पुराने पुराने घर, कनॉट प्लेस, दिल्ली वाला सीपी, इट्स लाइक ओल्ड टाउन बट नाइस। नेक्स्ट वन, आइकनोग्राफी। वो याद है अगर आपने वो देखा हो पिरामिड्स के अंदर, अगर आप जाएंगे, व्हेन आई वेंट देयर आल्सो, अभी फोटो में देखा होगा तुम लोगों ने, जो लोग नहीं गए पिरामिड्स के अंदर, वो दीवार पे वो टैबलेट्स के ऊपर, पत्थर के टैबलेट्स के ऊपर लिखते थे आइकॉन्स बना बना के, है ना, फोटोज बना बना के, याद है कि नहीं? उसको हम बोलते हैं आइकनोग्राफी। आइकन प्लस ग्राफी, आइकन से हैंड राइटिंग करना, आइकन से हैंड राइटिंग करना इज कॉल्ड एज आइकनोग्राफी। नेक्स्ट वन, कैनन। कैनन क्या होता है? अच्छा ये कैनन बंदूक नहीं है, तोप नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कैनन के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है कैनन का, उसका मतलब होता है रूल, हाँ इसका मतलब होता है रूल। रूल मतलब नॉर्मल रूल, क्या क्या रूल्स हैं तुम्हारे भाई, यू शुड फॉलो दीज रूल्स एक्सेट्रा, यू शुड फॉलो दीज कैनन, है ना, वो कैनन होता है। एक और होता है क्लर्जी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, ये आपको पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्पिटिशन आ सकता है। क्लर्जी, क्लर्जी होते हैं जो तुम्हारे, जैसे हमारे साधु बाबा होते हैं ना हमारे, अगर आप बनारस जाएंगे वैसे ही चर्च के अंदर जो प्रीस्ट होते हैं ना उनको हम बोलते हैं, जो क्लर्जी मैन, क्लर्जी मैन मतलब चर्च वाले पादरी, उस उनको, उनको भी उसका भी होता है कैनन, ठीक है। एक है कैनन, एक है क्लर्जी, इसके दो मतलब है, कैनन और क्लर्जी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिम्योटिक्स। सिम्योटिक्स क्या है? इंडिया में सिर्फ एक बिजनेस स्कूल है, उसका नाम है माइका, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है सिम्योटिक्स। सिम्योटिक मतलब पूरे पूरे इंडिया में जहां जहां पे भी सिंबल्स हैं, पंजाब के सिंबल्स अलग हैं, गुजराती सिंबल्स अलग हैं, बिहार के सिंबल्स अलग हैं, उनको इकट्ठा करके उसकी स्टडी करना एंड मेकिंग सेंस ऑफ इट एंड देन अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ इंडिया, कि इसका सिम्योटिक क्या है, इस कल्चर का क्या है। ये आई थिंक 3 या 4 क्रेडिट का कोर्स है माइका का, वो उसके अंदर काफ़ी बड़े कोर्स है, बाकी जगह पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वन, मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट मतलब, मैग्निफिशेंट मतलब बढ़िया, मैग्ना बढ़िया, मैग्ना जहाँ लग गया कुछ तो बढ़िया है, बड़ा है और बढ़िया है, मैग्निफिशेंट। सीक्वेस्ट्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आई वुड द पेपर सेटर मैं सीक्वेस्ट्रिंग वर्ड आपको देता। एक तो होता है सीक्वल, ठीक है, एक होता है सीक्वल, सीक्वल होता है एक के बाद दूसरा, है ना भाई, सीक्वल। सीक्वेस्ट्रिंग क्या है? मैं सीक्वल में नहीं लगेगा, मैं अलग है, ये सीक्वल का ऑपोजिट है। आई विल डू माई ओन थिंग्स इन माई ओन वे, ओके, मैं अपने आप को आइसोलेट करेगा और मैं नहीं सुनेगा तुम्हारी बातें, मैं आइसोलेट करेगा अपने आप को, सीक्वेस्टर करना, कूल, उसको बोलते हैं आइसोलेट करना। नेक्स्ट वन, इनएफेबल। यार एक बहुत बढ़िया किताब है, उसका नाम है एल्केमिस्ट। किसी ने पढ़ी है एल्केमिस्ट? ये मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी बार बताई है, एल्केमिस्ट पढ़ी किसी ने? बहुत प्यारी किताब है यार, धरती पे आए हो तो एक किताब पक्का पढ़िएगा, दो किताब, एक नॉर्मन लुइस वर्ड पर मेडिडी और दूसरा एल्केमिस्ट। पोयलो कोयलो की किताब है, ये किताब इतनी प्यारी है ना, मतलब तुम खो जाओगे पढ़ते पढ़ते, हाँ, 100-125 रुपये की किताब है पोयलो कोयलो एल्केमिस्ट। उसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ था फेबल, द फेबल, दिस फेबल इज ऑफ दिस, फेबल का मतलब स्टोरी। इशिता बोली माई फेवरेट बुक, प्योर ब्यूटिफुल बुक, हाँ। आगे देखते हैं, समृद्धि बोली जस्ट स्टार्टिंग 2 डेज बैक, वेरी गुड। इनएफेबल क्या होता है? इनएफेबल होता है इतना बढ़िया है कि आई कांट टेल यू द स्टोरी, इनएफेबल, ठीक है। इनएफेबल का मतलब होता है कि ये मैं स्टोरी, इन का मतलब नो, एफेबल स्टोरी, यार इतना बढ़िया कि आई कांट इवन टेल यू, आई कांट इवन मेक अ स्टोरी, स्पीचलेस, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, इंसिडियस। इंसिडियस का मतलब होता है सिनफुल। याद करने के लिए देखो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इंसाइडियस बोलते हैं, इंसिडियस बोलते हैं, ये देखो SNI स्टडी में लगा हुआ है, INS उल्टा है ना, है ना, ऐसे ही सिनफुल, ये बंदा झोलर है, ये बंदा सिनफुल है, इट कैन कॉज यू समथिंग, समथिंग हार्मफुल, कुछ तो हार्मफुल हो सकता है तेरे पास, हाँ। हीडियस भी बोलते हैं, हीडियस भी कॉशन है, इंसिडियस, और एक मूवी भी है इंसिडियस, आगे आ जाओ। अच्छा टैसिट, यार हमने एक और वर्ड किया था टेसिटर्न, याद आ रहा है? टेसिटर्न, कम बोलने वाला ज्यादा बोलने वाला, टेसिटर्न बताइए, कम बोलने वाला ज्यादा बोलने वाला, टेसिटर्न, टेसिटर्न इज कम बोलने वाला, वेरी गुड।
टेसिट पता क्या है? अनसेड प्यार। अब आपका और मम्मी पापा का अनसेड प्यार है ना यार, मम्मी अगर रोज बोलते ना मम्मी आई लव यू, मम्मी बोले चार बार तुम बोले मम्मी आई लव यू, मम्मी बोले क्या हो गया बेटा ठीक तो है, अनसेड प्यार है ना तुम्हारे, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के साथ तुम्हारा अनसेड प्यार है, इम्प्लिसिट है ना, तुम्हारा मेरा अनसेड प्यार है कि नहीं भाई बताओ, यूट्यूब फैमिली, कैट किंग फैमिली, एक अनसेड प्यार है कि नहीं भाई? आई विल नेवर एवर विश इवल फॉर यू, इजंट इट, एंड यू नो दैट वेरी वेल है ना, एंड यू विल नेवर एवर विश इवल फॉर मी, राइट, विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो टैसिट मतलब बोलने की जरूरत नहीं है यार, अपना प्यार ही अलग है, समझा? वो मैं बोलता ना गुरु वो जिससे लय जुड़ जाए, है ना, लय जुड़ जाए, वो लय जुड़ना वो माता पिता से हो सकती, गुरु से हो सकती, टीचर से हो सकती, फ्रेंड से भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, शेख यस सर लव यू थैंक्स। बैरल, बैरल आपको पता है, बैरल आते हैं वाइन के बैरल होते हैं, है ना, विस्की के बैरल होते हैं, बैरल होते हैं जिसके अंदर वो पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, उसके अंदर विस्की वगैरह आता है, वाइन्स वगैरह आती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन आर्टिकुलेट। हाँ भैया, लास्ट थ्री वर्ड्स फॉर द डे, फिर टेस्ट शुरू होने वाला है। एक होता है आर्टिकुलेट, उसको कोई भी बोलो वो आराम से एक्सप्लेन कर सकता है, ना एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ बंदा है, उसका लैंग्वेज पे कंट्रोल है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेट। इन आर्टिकुलेट जो ना कर पाए, जो अच्छी बातें अच्छे से ना समझा पाए, वो बोलना चाहता है, उसको आता भी है, बट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, इज कॉल्ड इन आर्टिकुलेट। नेक्स्ट वन, लास्ट थ्री वर्ड, कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट कुछ नहीं है यार, वो जो बंदा टाइम ऑफ इंडिया में, हिंदू में, एओन में कॉलम लिखता है, पेपर का कॉलम होता है ना, ये कॉलम लिखता है, वो स्पीकिंग ट्री होता है, जो बंदा स्पीकिंग ट्री वाला कॉलम लिखता है उसको बोलते हैं कॉलमनिस्ट, सिंपल। नेक्स्ट वन थ्रोज, ये एक्चुअल वर्ड है कैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थ्रोज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये एनमैट में भी आ चुका है। थ्रोज मतलब एक पैंग्स ऑफ पेन, मतलब भयंकर पेन, हाँ भयंकर पेन, बहुत ज्यादा पेन, वॉयलेंट पेन। भगवान ना करे अगर कैट क्रैक नहीं हुआ तो सर आई एम गॉन बी इन थ्रोज, तुम भी थ्रोज इन ऑफ पेन में होगे और मैं भी थ्रोज ऑफ पेन में, हमें करना ही करना है। थ्रोज मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही गंदा, पेनफुल, इट्स गॉन बी पेनफुल बिकॉज वी प्रिपेयर्ड रियली हार्ड, अनबियरेबल पेन। नेक्स्ट वन इंटरवीन, इंटरवीन बड़ा ईजी है यार, इंटरवीन का मतलब होता है यार घुसना अंदर, है ना, इंटरवीन अंदर घुसना, किसी को इंटरजेक्ट करना, इंटरवीन। नेक्स्ट सब्सिडाइज, आपको पता ही है सब्सिडाइज, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, ऑयल के ऊपर सब्सिडी देती है, बाकी चीज़ों पर सब्सिडी देती है। ऑल गुड बॉयज एंड गर्ल्स, समझ आया हाँ या ना? आर यू गाइस विद मी?